कांग्रेस और राहुल गांधी को पुणे टार्गेट करिछंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कांग्रेस दल निज व्यवहार पर संसदीय व्यवस्था को लज्जित करिछि, एपरिकि समाने निज दलर सांसदों को कहिबाकु अनुमति देउनाहंती। राहुल को 90 मिनिट्र भाषण परे मणिपुर कांग्रेस सांसदों को कहिबाकु सुजोग दियागला नाही। कांग्रेस सत सुनिबाकु प्रस्तुत नुहे, एपरिकि समाने प्रधानमंत्री भाषण बेले बाधा सृष्टि पाई षड्यंत्र करिथिले। देशरे गणतंत्रर सुरक्षा पाई कांग्रेस दल निज व्यवहार संयम आणिबार आवश्यकता रही। नीट प्रसंगे पूर्व राष्ट्रपति मत रखिता बेले प्रधानमंत्री एने गृह वक्तव्य रखिंट। आज नीट प्रसंगे राज्यसभा आलोचना हो केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। कांग्रेस पार्टी अपना गैर जिम्मेवारन व्यवहार के कारण आज देश की संसदीय प्रणाली को शर्मसार किया है। अपने तयशुदा टाइम में उन्होंने सारा समय अपने 9 वक्ताओं के द्वारा समाप्त करने के बाद जिन मित्रों के बारे में उन्होंने आग्रह किया कि मणिपुर की मित्रों को आपने बोलने का मौका नहीं दिया, वो तो राहुल गांधी जी की 90 मिनट की भाषण के बाद उनको भी बोलने के मौका दे सकते थे। उनकी 9 मित्रों में एक मणिपुर की थे और किसी को काट के उनको भी दे सकते थे। कांग्रेस पार्टी सत्य सुनने के लिए तैयार नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी की भाषण को व्यवधान डालने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा था। कल नेता प्रतिपक्ष की जिस प्रकार की अगणतांत्रिक, असंवैधानिक और नियम की सारे विषयों को धर्जिया उड़ाते हुए उन्होंने जैसे व्यवहार किया था, आज ही ऐसा ही उसका पुनरावृत्ति किया, उन्होंने रिपीटेशन किया। इसको कितना भी गणतंत्र में कितना भी कड़ी शब्द में उसको निंदा किया जाए ये कम होती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज नीट के बारे में कहा, राष्ट्रपति जी ने नीट के बारे में अपने भाषण में उल्लेख किया था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसके बारे में उल्लेख किए। कल राज्यसभा में भी चर्चा होगी, चर्चा से भागता कौन है? मुद्दा उठाओ, सुनने की सत्य सुनने की ताकत नहीं है, भाग जाना ये उनकी तरीका है। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।